हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक बुज़ुर्ग आदमी को उसके लड़के ने चोटें मारी हैं, जिसके संबंध में उसके बड़े लड़के को किसी पड़ोसी ने जानकारी दी। तो उसने जाके जब वहाँ पे जाके देखा तो वो मृत अवस्था में मिला। तो जो मृतक के किशन चंद नाम था मृतक का, उसके पुत्र ने शिकायत दी कि इसके आधार पे हमने उसके मृतक किशन चंद के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसका नाम नीरज नोनू है, जो लगभग 37 साल का है और इसी ने पैसे मांग रहा था ये अपने पिता से और उसने पैसे नहीं दिए, तो इस कारण कैंची मार के और अपने पिता की हत्या कर दी और वहाँ से भाग गया। जिसके बाद हमने केस रजिस्टर करके न्यू कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। आज हम उसे पूछताछ करें। पूछताछ में उसने ये बात बताई है कि मेरा, क्योंकि ये नशे का आदि है और जुए का भी आदि है और इस कारण से ये पैसे मांग की डिमांड कर रहा था अपने पिता से और उसने पैसे नहीं दिए, तो इस कारण इसने कैंची मार के उसकी हत्या कर दी। हमने इसकी निशानदेही पे जो जिस कैंची से इसने हत्या की थी वो बरामद कर ली अभी है और पूछताछ की जा रही है और इस तरह की सारे एंगल पे हम जानकारी जुटा रहे हैं, उसके बाद आपको जानकारी दे पाएंगे। लत थी इसमें, जुआ की लत थी और नशे की भी लत थी, तो उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ये आपका नजरिया। देश और प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।